तस्वीर है संभल में सिरसी की। यहाँ नगर पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने दोबारा जीत दर्ज कराई है। फर्क इतना है कि पहली बार वसीम खान जीते थे और इस बार इनकी पत्नी नूरजहां ने जीत दर्ज की है और आज इनको ही शपथ दिलाने के लिए यहाँ लोगों का ये हुजूम इकट्ठा हुआ है। निर्वाह करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। नूरजहां का मानना है कि लोगों ने उनको जिस उम्मीद से जिताया है, कोशिश की जाएगी कि उनकी उम्मीद पर खरा उतरें। करेंगे जो हमारा काम अधूरा है हमारे सिटी में, वो काम अपना हम पूरा करेंगे। आपको दोबारा चुना गया है, लंबी कामयाबी गया है। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो हमारे भाइयों ने हमें जिताया है, इस कामयाबी पे हमें लाए हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इस चुनाव के दौरान वसीम खान ने लोगों से अस्पताल और मैरिज हॉल का वादा किया था, इसलिए वसीम का मानना है कि इन दोनों वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, साथ ही अधूरे कामों को भी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये पब्लिक ने दोबारा मौका दिया है और मेरा चुनाव में वायदा भी रहा है पब्लिक से, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 50,000 की आबादी है सिरसी, और सिरसी के चारों तरफ के जो गांव हैं 1,00,000 की आबादी के गांव लगते हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले एक अस्पताल और एक मैरिज हॉल और जो भी मैं विकास के और वायदे किए हैं उनमें मैं दिल और जान से लगकर काम करूंगा। वादे और दावे तो अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे, वरना जनता जनार्दन के वोटों से आज आपके गले में जो फूलों की माला डली है उसको वो अगली बार उतार भी सकती है। संभल से मुजम्मिल दानिश, न्यूज 75.in।